किनोआ के साथ एक हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। किनोआ बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं वेजिटेरियंस और वेगन्स के लिए। अक्सर लोगों को मॉर्निंग में हेल्दी फूड खाना पसंद है। आज बनाते हैं एक ऐसी डिश जो टेस्टी है और हेल्दी भी है, किनोआ उपमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वच्छा प्रीमियम किनोआ सीड्स। किनोआ को 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, जब तक कि इसका पानी क्लियर ना हो जाए, जैसे हम चावल को धोते हैं। किनोआ को छान लेंगे। जब तक किनोआ सोख हो रहा है, हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे RCM हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। ये ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब डालेंगे राई। जीरा, कटी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ अदरक और कड़ी पत्ता, इसे मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से पका लेंगे, जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। किनोआ खाने का क्रेज भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब इसमें डालेंगे गाजर और मटर। वेजिटेबल्स को हम सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये क्रंची रहे, इसे सौते कर लेंगे। यह जितना बनाने में आसान है, इतना ही ये पचाने में भी आसान है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे किनोआ। अच्छे से इसे मिला लेंगे। जरूरी पोषक तत्व होने के साथ यह ग्लूटेन फ्री भी है। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे मिक्स कर लेंगे। ढक के इसे 15 मिनट तक पका लेंगे। हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। किनोआ पक गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। यहाँ पे लेते हैं एक सुंदर सी प्लेट और उसमें किनोआ को सर्व करेंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया से और नींबू। जैसे मैंने कहा था, झटपट किनोआ उपमा रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट के लिए ये रेडी है और हेल्दी तो ये है ही। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए।